सेक्स हाँ शादी हाँ बच्चा हाँ आई वांट टू यूज हर. अरे मैं तो शादी तो आपकी पसंद से ही करूंगा, अभी मैं उसे यूज कर रहा हूँ. आप मुझे सिर्फ यूज करना चाहते हैं, शादी नहीं करना है. जी हाँ, राखी सावंत आदिल के साथ एक टॉक शो पर पहुंची जहां पर उन्होंने अपनी दुख भरी प्रेम कहानी के बारे में बताया कि आखिर कैसे वो प्यार की तलाश में निकली और हर बार उन्हें सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया. राखी सावंत ने कहा कि हाँ आदिल के साथ बहुत अच्छा महसूस होता है. आदिल ने भी कहा कि हाँ शुरुआत में उसे जानता था कि जिस तरीके से मीडिया सोशल मीडिया पर उसके बारे में बातचीत होती है, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके साथ वक्त बिताया है ये शख्स बहुत बेहतरीन है, बहुत डाउन टू अर्थ है और मैं ये सच में दिल खोल के कहता हूँ कि मुझे ये लड़की पसंद है. तो वहीं राखी सावंत कहती है कि मेरे लिए कोई नहीं था जो मेरे लिए साथी ढूंढे, मेरा भाई बिजी, मेरी माँ को कैंसर, तो कोई नहीं था. और जो भी लोग आए वो ये था कि अपने घर से कह के आते कि तुम लोग टेंशन ना लो यार, मैंने शादी नहीं करनी है इससे, मैं बस इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़ के मैं कामयाबी तक पहुंचने वाला हूँ. तो लोगों ने सिर्फ मैं इस्तेमाल किया है, मैं कोई टिश्यू पेपर नहीं हूँ जो आप लोगों ने अपना आंख पूछा नाक पूछा हाथ पोछ के फेंक दिया. मैं इंसान हूँ, मेरे इमोशंस हैं, मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब लोगों को मैं साथ देखती हूँ, कपल देखती हूँ और मैं कहती हूँ यार मुझे तो नहीं पसंद, लेकिन मेरा मन जानता है कि अंदर से कैसा महसूस होता है जब मैं लोगों को एक साथ देखती हूँ. क्योंकि ये जो अकेलापन है ये वाकई में अंदर ही अंदर आपको कचोटता है, अंदर ही अंदर आपको खाने लगता है. लोग किसके साथ जाऊं आप खुद बताइए, अकेली खाती हूं, अकेली रहती हूं, अकेली सोती हूं, मूवी किसके साथ जाऊं. अकेला रहना अलग बात है लेकिन अकेला महसूस करना ये सच में दिल तोड़ देता है. इस दौरान उनकी आंखों से आंसू भी बहने शुरू होते हैं और आदिल उनका हाथ थामे रखते हैं और फैंस को आदिल का राखी के प्रति ये जेस्चर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और कह रहे हैं कि बस इसी तरह से उसका ख्याल रखो, खुश रखो. तो फैंस राखी के इस दुख से रिलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आदिल तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, ईश्वर से दुआ है हमारी. राखी के इस रिएक्शन पर आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर. और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें.